वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि राहु का राशि परिवर्तन जो कि अक्टूबर के महीने में होने जा रहा है, उसका विभिन्न लग्न वाले जातकों के लिए क्या क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। राहु को कुंडली में एक छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। राहु एक राशि में 18 महीने तक भ्रमण करते हैं। राहु जब भी अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर होता है। राहु को कुंडली में क्रूर ग्रह की संज्ञा मिली हुई है। राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है, शाम को 5:43 पर। राहु मेष से निकलकर मीन राशि में भ्रमण करने जा रहे हैं। राहु की चाल हमेशा वक्री रहती है। राहु यहां पर 31 मई 2025 तक रहेंगे। राहु का ये परिवर्तन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आपकी कुंडली में राहु जन्म के समय में मीन राशि में ही हो, या आपको राहु की महादशा चल रही हो, या आपकी कुंडली में कालसर्प दोष लगा हुआ हो। आज हम सभी लग्न वालों के लिए बात करेंगे कि राहु मेष से जो मीन राशि में जा रहे हैं, जो कि बृहस्पति की राशि है, राहु उसमें कुछ परिवर्तन के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये राहत की बात होगी और कुछ को जीवन में संभल कर चलना पड़ेगा। वृषभ लग्न के लिए राहु अब तक द्वादश भाव में बैठे हुए थे, जो कि कुंडली में वे भाव भी है। अब राहु आपके एकादश भाव में भ्रमण करने वाले हैं। राहु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वो 31 मई 2025 तक मीन राशि में ही रहेंगे। राहु का ये परिवर्तन 18 महीने के लिए है। राहु वृषभ लग्न के वालों के एकादश भाव में रहेंगे, जो कि उनका लाभ भाव भी है। राहु यहां जातक को शुभ फल देने वाले होंगे। राहु 18 महीने तक मीन राशि, जो कि बृहस्पति की राशि है, जिससे राहु सम भाव रखते हैं, ना मित्रता का और ना ही शत्रुता का, तो राहु यहां पर जातक को लाभ की प्राप्ति करवा देंगे। राहु के मित्रों में शुक्र, शनि और बुध ग्रह हैं और शत्रुओं में सूर्य, मंगल, चंद्र ग्रह हैं। राहु के साथ गोचर में जब भी मित्र राशि का ग्रह गोचर करेगा तो जातक को लाभ में जबरदस्त वृद्धि करवाएगा, और शत्रु राशि का ग्रह होने पर जातक को सामान्य फल की प्राप्ति होगी। राहु की दृष्टि यहाँ पर तृतीय भाव पर पंचम और पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि और सप्तम भाव पर नवम दृष्टि होगी। राहु जो कि सट्टा, लॉटरी और जुआ और शेयर मार्केट के कारक ग्रह हैं। राहु यहां जातक को मित्रों से लाभ मिलेगा। राहु यहां गोचर में बैठकर जातक को सुख सुविधा के साधन उपलब्ध करवा देंगे। राहु यहां पर बैठकर नौकरों से धन लाभ के रास्ते बना देंगे। राहु के लाभ भाव में गोचरवश वृषभ लग्न वालों को सरकारी लाभ की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। राहु यहां पर बैठकर जातक की इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे, क्योंकि एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव है। राहु यहां पर जातक को विदेश से लाभ प्राप्ति में सहायक होंगे। अगर शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ से जातक को इसमें इस दौरान लाभ भी हो सकता है। अचानक से लॉटरी लग सकती है और राहु की दृष्टि तृतीय भाव में पड़ने से जातक के पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से उसका मनमुटाव होगा। पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने से जातक को संतान सुख में वृद्धि होगी। जातक को 2 नंबर से धन लाभ, परंतु विद्या में रुकावट और प्रेम संबंधों में भी रुकावट वो उत्पन्न कर देंगे। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि होने पर जातक को अपने
स्पाउस से मनमुटाव की स्थिति होगी। साझेदारी के कामों में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। ये सब तब ज़्यादा होगा जब आपकी राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या कुंडली में आपका राहु एकादश भाव में ही बैठा हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।